एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको टाइटल में समझ आ ही गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो टीनेज स्पेशल मेकअप रूटीन वीडियो है। सो मैं स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए मेकअप रूटीन का वीडियो बनाने वाली हूँ। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो कि स्कूल एंड कॉलेज में मेकअप करना पसंद करते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑफिस गोइंग गर्ल्स ऑल्सो। सो अगर आप ऑफिस जाते हैं तो भी आप ये सेम मेकअप रूटीन फॉलो कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करें एंड हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट सो आप मिनिमम मेकअप में आप अच्छा लुक क्रिएट कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लिया है। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ प्राइमर। तो उसके लिए मैं लैक्मे का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा एक प्राइमर की तरह यूज किया जा सकता है। इसे आप फेस पैक के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं इसे सर्कुलर मोशन में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, जिससे मुझे जहाँ पर भी ड्राई पैचेस हैं फेस पे, मुझे लगता है कि ड्राई स्किन है जहाँ पर ज़्यादा, तो मैं उस एरिया को थोड़ा अच्छे से रब करके अप्लाई कर लूँगी सो दैट वो अच्छे से मिक्स हो जाए मेरी स्किन के साथ। इसके बाद मैं मेरा रेगुलर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड मॉइस्चराइज़र है जिसे मैं डेली यूज़ करती हूँ। सो इसका नाम है एमोलेंस। ये ड्राई स्किन के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज़ मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई रहती है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ड्राई स्किन, तो इसलिए मैं इसे रेगुलरली यूज़ करती हूँ। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही यूज़ करें। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेबलिन की बीबी क्रीम। इसमें SPF 21 है सो सनस्क्रीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका मैंने नेचुरल शेड यूज़ किया है। इसे मैं पूरे फेस पर डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। आप इसे फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पंज की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। और ये बीबी क्रीम जो है वो मीडियम कवरेज देती है। अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा हैं तो आपको कंसीलर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए परफेक्ट है बिकॉज स्कूल और कॉलेज जाते टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा मेकअप कर सकें, कंसीलर यूज़ कर सकें। सो ये बीबी क्रीम जो है सनस्क्रीन का काम भी करती है और परफेक्ट है आपके फेस को कवर करने के लिए, एक ब्राइट सा लुक देने के लिए सो दैट आपका फेस एक ग्लोई लगे। मैं इसे अंडर आई पर भी अप्लाई कर लूँगी, बट आपके अगर डार्क सर्कल ज़्यादा हैं तो आपको कंसीलर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद मैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी और ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है जो कि काफ़ी अच्छे से कवर करता है फेस को। मैं ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और नेक को कवर करना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं अभी फेस कितना इवन लग रहा है। अब मैं कलर बार का ये आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा एंड परफेक्ट लाइनर है फॉर स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स और ये वाटरप्रूफ भी है तो आपको कोई टेंशन नहीं है एक बार लगाने के बाद। इसे मैं अपने दोनों आईज पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। दोनों आईज पे अच्छे से अप्लाई हो गया है। इसके बाद मैं लैक्मे का आइकॉनिक काजल यूज़ कर रही हूँ। ये एवरीडे के लिए एकदम सही काजल है और जो कि इजीली अप्लाई हो जाता है, उसके बाद ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। इसे भी मैं अपने दोनों आईज पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। लिप्स के लिए मैं लैक्मे का बेबी लिप यूज़ कर रही हूँ। ये एक नेचुरल लुक देता है और अगर आपको कलरफुल लिप्स पसंद है तो आप मेबलिन का बेबी लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मेरा स्कूल वाला लुक क्रिएट हो गया है और ये है मेरा फाइनल लुक। सो अब हम कॉलेज लुक क्रिएट करेंगे। सो हमारा जो मेकअप है वो ऐसे ही रहेगा, अब हम इसमें थोड़ा और ऐड कर लेंगे। लाइक अभी मैं रिवॉल्यूशन का ये आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ। सो बिकॉज कॉलेज में जाते हैं तो हम एक ऐसा शेड दे सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना हो और आईज़ थोड़ा अच्छा लगे, तो मैंने यहाँ पे ये डार्क ब्राउन शेड ले लिया है और इसे मैं दोनों आईलाइट पे अप्लाई कर लूँगी। और ये वाला स्टेप वैसे ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसे लोअर आई लैशेज पे भी अप्लाई कर लूँगी। अब मैं ब्रश की हेल्प से इसका लाइट पिंक शेड लेके एज अ ब्लश यूज़ कर लूँगी। ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा और बिल्कुल नेचुरल लुक देगा लगाने के बाद भी। अब मैं फेस को ग्लोई लुक देने के लिए हाइलाइटर यूज़ करूँगी जो कि मैं नोज़ पे, फोरहेड पे और चीक्स पे यूज़ करूँगी सो दैट एक हल्का सा ग्लो आ जाए फेस पे।
और अब मैं ये फाइनल स्टेप लैक्मे का लिप क्रेयॉन कलर यूज़ करूँगी जो कि पीच शेड में और काफ़ी नेचुरल लुक देता है। अगर आप सेम प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो मैं ये सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सो ये हमारा कॉलेज लुक क्रिएट हो गया और ट्रस्ट मी गाइस, ये बिल्कुल भी ओवर नहीं लगेगा और काफ़ी अच्छा एंड नेचुरल लुक देगा। सो गाइस, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।